पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात अवारी होटल के खुर्शीद हाल में मुनक्कद हुए। इंतखाबात का अमल शफाफ बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए थे। उम्मीदवारों समेत किसी भी वोटर को मोबाइल फोन हाल में ले जाने की इजाजत न थी। इलेक्शन कमीशन ने जब जनरल आरिफ हसन की फतह का ऐलान किया तो उनके हामियों ने खुशी से नारे लगाए और मिठाई तकसीम की। तीन वोट टोटल कास्ट हुए थे जी, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। और वो राउंड इंतखाबात में लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन ने 48.5 और उनके मद्दे मुकाबल मेजर जनरल अकरम शाही ने 32.5 जबकि ओलंपियन कासिम जिया ने 21 वोट हासिल किए। जनरल आरिफ हसन का बकिया पैनल बिना मुकाबला मुंतखब हुआ। जनरल आरिफ हसन और नौ मुंतखब सेक्रेटरी खालिद महमूद चौधरी ने मुस्तकबिल में खेलों के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखने का अजम किया। इस मौके पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जी पिछले जो एक्सपीरियंस था उससे बहुत कुछ सीखा, हम पूरे पैनल ने बहुत कुछ सीखा और आइंदा उसी एक्सपीरियंस पे बिल्डअप करके इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और जो हमने देखा कि हमारी जहाँ पे कमोबेशी रह गई, जो हमसे गलतियाँ हुई उनको हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। प्रेशर तो जब भी कोई कंपटीशन होता है, वो फील्ड में हो या वो सेक्रेटेरिएट जॉब हो या ऑफिस हो, उसको तो इंसान को स्पोर्ट्समैन की तरह फेस करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर आए लेकिन हमने उसको फेस किया और हमने नेक नियति से जो प्लान किया अल्लाह ताला ने उसका हमें अजर दे दिया। ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात पाकिस्तान में खेलों की तारीख के पहले इंतखाबात थे। इससे कता नजर कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। इंतखाबात ने दारुल हुकूमत में खेलों की नई तारीख रकम कर दी। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42।